नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियोस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को सितंबर माह का भूम प्रदोष व्रत कब है, उसकी पूजा विधि, महत्व, मुहूर्त और कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। हिंदू धर्म में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कई व्रत त्यौहार बताए गए हैं, जिनमें सबसे अधिक महत्व प्रदोष व्रत का माना जाता है। हर माह की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखने का विधान है। मान्यता है इस व्रत में शाम के समय जो शिव पूजा करता है उसके समस्त कार्य और मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। अभी भाद्रपद का महीना चल रहा है, भादों का पहला प्रदोष व्रत वोम प्रदोष व्रत होगा, इसलिए इसका महत्व और बढ़ गया है। सितंबर और भाद्रपद माह का पहला प्रदोष व्रत 12 सितंबर 2023 मंगलवार को रखा जाएगा। मंगलवार होने से ये भूम प्रदोष व्रत कहलाएगा। शास्त्रों में सोम, शनि और भूम प्रदोष व्रत बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भूम प्रदोष व्रत में शिव पूजा करने से हनुमान जी की भी कृपा होती है। अब मैं आपको इसका मुहूर्त बताने जा रही हूँ। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 11 सितंबर 2023 को रात 11:49 तक रहेगा। अब मैं आपको भूम प्रदोष व्रत का महत्व बताने जा रही हूँ। शास्त्रों में हनुमान जी को शिव का रुद्रावतार बताया गया है। इस दिन भगवान शिव के साथ हनुमान जी की पूजा करने वालों के समस्त कष्ट खत्म हो जाते हैं। जिन लोगों को मांगलिक दोष है उन्हें भूम प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे विवाह और वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों का नाश होता है। भूम प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है। साथ ही शिव जी की कृपा से परिवार को आरोग्य, आत्मविश्वास में वृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। मंगल ग्रह की शांति के लिए यह व्रत बहुत खास है। अब मैं आपको भूम प्रदोष व्रत की पूजा विधि सुनाने जा रही हूँ। मंगलवार को त्रयोदशी तिथि में भगवान शिव की पूजा करने से बीमारियाँ और हर तरह की परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। ऐसे में सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें, बजरंगबली जी को चोला चढ़ाएं, शाम को दोबारा स्नान के बाद शिव जी की विधिवत पूजा करें। मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत और पूजा से उम्र बढ़ती है और सेहत भी अच्छी रहती है। अब मैं आप लोग को भूम प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। पुरानी कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक बूढ़ी महिला रहती थी, जिनका एक ही बेटा था। बूढ़ी महिला हनुमान जी की परम भक्त थी और हर मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखती थी। हनुमान जी की पूजा करना उनका एकमात्र उद्देश्य सा बन गया था और हनुमान जी की भी कृपा दृष्टि उस महिला पर थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्त का परीक्षण लेने का विचार बनाया। हनुमान जी साधु वेश में उस बूढ़ी महिला के घर के बाहर पुकारने लगे, हे कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा को पूरा कर सके। आवाज़ सुनकर महिला बाहर आई और साधु को प्रणाम करते हुए बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान जी ने कहा, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी जमीन लीप दो। इससे महिला दुविधा में पड़ गई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के लिए अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य उसे पूरा करूँगी। इस पर साधु वेश में हनुमान जी ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊँगा। इससे महिला घबरा गई, लेकिन वह प्रतिज्ञाबद्ध होकर पुत्र को बुलाई और हनुमान जी को सौंप दिया। हनुमान जी ने वृद्ध महिला के हाथों से उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवा दी। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर की ओर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने महिला को बुलाकर कहा, भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो जिससे वो भोजन को भोग लगाए। इस पर महिला ने कहा, उसका नाम लेकर मुझे कष्ट ना दें। लेकिन साधु वेश में हनुमान जी ने नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर उनका पुत्र उनके पास आ गया और गले से लग गया। पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को आश्चर्य हुआ और वो साधु के चरणों में गिरकर रोने लगी। इसके बाद हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आए और वृद्धा महिला को आशीर्वाद देते हुए भूम प्रदोष व्रत को करने का आदेश दिया, जिससे लोग पूजा पाठ करके अपने सभी कष्ट दूर कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप सभी को मेरी वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।